कल हमने क्या किया था कि वेव फ्रंट पढ़ा था, हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ा था, और मैंने आज बताया था कि मैं हाइगेंस प्रिंसिपल या वेव थ्योरी से कैसे हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेना को डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ये आज बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी। हाइगेंस प्रिंसिपल एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। देर आर टू पॉइंट्स इन हाइगेंस प्रिंसिपल। फर्स्ट इज एवरी सोर्स ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स एंड दे सेंड सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेज इन ऑल डायरेक्शन एंड दे वी कॉल दीज फ्रेश सोर्स एज सेकेंडरी वेवलेट्स एंड द वेव फ्रंट फॉर्म बाय दीज सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। Same, these are only two points of the Huygens principle through which we can explain all the wave phenomena of light, like reflection, refraction, interference, polarization, and diffraction. So you have already did reflection and refraction, so that's why I am starting from this. So let's start from reflection. So to explain this, I'll take help of some figure. Start. There is a surface AA dash we have, and a plane wave front is formed by any source AB. This is the primary wave front. Then अगर कोई light इसके ऊपर fall कर रही है इस तरीके से and plane wave front form हो रहा है, then after some time you can see that मान लीजिए कि after time t this light wave 3, this is going to A dash. Then definitely the distance कितना होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस विल बी वेलोसिटी इंटू टाइम सी इंटू टी, डिस्टेंस कवर करेगी, इसके बाद यहां से क्या कर जाएगी वेव रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो मैं शो करूंगी कि कैसे रिफ्लेक्शन होगा, बट द फर्स्ट थिंग इज दैट इन अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल इफ देर इज एनी प्राइमरी वेव फ्रंट देन एवरी पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट विल एक्ट एज फ्रेश सोर्स। सो दीज पॉइंट्स बी डी एंड ए आर एक्टिंग एज फ्रेश सोर्स, there again they are sending secondary disturbances as we know from the law. So these are secondary disturbances sent by these points, and again agar hum in secondary disturbances ke through fir se kya kare, dekhiye yahan se yahan tak ki distance kitni hai aapki c into t, same yahan se yahan tak ki bhi distance kitni hogi c into t. To agar hum a ko center mankar ek arc yahan pe draw kare c into t radius ka ek arc ya circle draw kare, कुछ इस तरीके का आर्क यहाँ पे ड्रॉ होगा, क्लियर? यहाँ पे एक इस तरीके का आर्क ड्रॉ होगा, यानी एक सर्कल आप ड्रॉ करें रेडियस ए बी डैश का। सेम थ्योरी है जैसे हमने कहा था हाइगेंस प्रिंसिपल में, कि अगर आप क्या कर रहे हो कि कोई आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इस स्फेरिकल वेव फ्रंट पे आपके पास ढेर सारे पॉइंट सोर्सेज है या फिर सेकेंडरी वेवलेट्स है। पहले ही हाइगेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल कि किसी भी वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो भी फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, और अगर हम टी टाइम पे
मान लीजिए कि ये वेव सोर्स कितना डिस्टेंस कवर करती है, सीन टू टी, और सीन टू टी रेडियस का एक यहाँ पे क्या करें, स्क्वायर ड्रॉ करें. देन अगेन दे विल फॉर्म अ सेकेंडरी वेव फ्रंट. द सेम थिंग इज हियर, फर्स्टली प्राइमरी वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट इज एक्टिंग एज अ फेज सोर्स एंड दे आर सेंडिंग सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेज बिकॉज दे आर एक्टिंग एज फेज सोर्स. देन टेकिंग सीन टू टी एज द रेडियस, we can draw a arc on B dash. So, if we draw a tangent from this surface A dash to B, yes, this is the tangent drawn on this arc, then this A dash B dash will be the secondary wavefront. Clear? Same as Huygens, primary wavefront पे जितने भी points situate करते हैं वो fresh source की तरह act करते हैं, disturbances send करते हैं सारे directions में. और अगर हम t time पे कोई डिस्टर्बेंस को देखें तो सीन टू टी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और सीन टू टी डिस्टेंस को अगर हम रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ करें, देन वी विल गेट ए स्फीयर ड्रॉ करें सिंपल, वी विल गेट द न्यू वेव फ्रंट, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी वेव फ्रंट. सेम एज हियर ए बी इज अ प्राइमरी वेव फ्रंट, बी डी एंड ए आर द पॉइंट्स विच आर एक्टिंग एज द न्यू सोर्स, फ्रेश सोर्स, एंड अगेन दे आर सेंडिंग disturbances. And if we take simple B dash and A to B dash, the distance will be A to B dash sin to T. And if we are taking radius, A B dash is the radius, and we are drawing an arc, then this will be the arc. And after drawing arc, draw a tangent from A dash to B dash. It's the simple geometrical diagram of plane wave front or spherical wave front of any type of wave front. Actually wave front is geometrical diagrams only. Okay, so now I think itna clear hai aapko. Again, this wave front is secondary wave front, or also this is called reflected wave front. And again from this wave front, these points A B dash, D dash, A dash, ye fir se ek fresh source ki tarah act karenge aur फॉरवर्ड डायरेक्शंस में लाइट को सेंड करेंगे, डिस्टर्बेंसेस सेंड करेंगे. आप फिर से आगे क्या कर सकते हैं, वेव फ्रंट ड्रॉन कर सकते हैं, और कंटिन्यू लाइट क्या करती जाएगी, आगे इसी तरीके से बढ़ती जाएगी. सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन. यू आर सीइंग दैट यहाँ से एक प्लेन वेव फ्रंट है, यहाँ से लाइट आपकी क्या हो रही है, इस वेव फ्रंट पे पड़ रही है, और इस सर्फेस पे पड़ने के बाद यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है. इट्स वेरी सिंपल आई थिंक थियरी. Primary wave front is incident wave front, secondary wave front is reflected wave front. यानी primary wave front से जो भी light यहाँ से incident कर रही है वो secondary wave front से reflect back हो रही है. अगर आप यहाँ से भी देखें तो ये lights क्या कर रही है, reflect कर रही है. Simple. तो this is the explanation of reflection through the wave theory, wave diagram. फिर भी अगर diagram नहीं समझ आता मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि एक प्लेन सर्फेस है ए ए डैश, जिस पर एक वेव फ्रंट हमने ड्रॉ किया है ए बी, लाइट आ रही है, लाइट की वजह से एक प्लेन वेव फ्रंट हमने ड्रॉ किया है. इस प्लेन वेव फ्रंट पे सिचुएट सारे पॉइंट ए बी एंड डी, दे आर एक्टिंग एज फ्रेश सोर्स. अगर ये फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं देन ये क्या करेंगे, सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस सेंड करेंगे. और अगर टी टाइम पे सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की डिस्टेंस देखें तो कितना होगा, ए बी डैश विल बी सीन टू टी. सीन टू टी डिस्टेंस को रेडियस मानकर हम एक आर्क ड्रॉ करें अगर बी डैश पे, तो ये आर्क ये आपका क्या करेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट फॉर्म करेगा. अगर हम ए डैश से एक टेंजेंट खींचकर इसको क्या कर दें, मिला दें सिंपल. अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो दिस विल फॉर्म द सेकेंडरी वेव फ्रंट. सो दिस इज द प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट विच इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. वी आर सीइंग हियर द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स फ्रॉम दिस वेव फ्रंट. क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर. सो वी कैन प्रूव ऑल्सो दैट law of reflection through it. So I am going to prove law of reflection. अगर incident का angle बनाए यहाँ पे है, this is the incident angle through the incident wave front, and this is the reflected angle.
from here I equal to angle BAA dash, angle BAA dash, this is I, and angle of reflection R is angle B dash A dash and A, angle B dash A dash and A, this is reflected angle, this is incident angle. I have already told you that this is primary wavefront, this is secondary wavefront, and primary wavefront is acting as incident wavefront, secondary wavefront is acting as reflected wavefront. I'll prove it how this is reflected wavefront. ये एक geometrical figure है, मैं आपको formula से formulate करके derive करके अभी proof करूंगी. अच्छा geometry से ही हम proof कर लेंगे कि ये क्या है, आपके reflected wavefront है. तो let's see. In triangle A A dash B, A A dash B and A B dash A dash, A dash B dash. अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखें तो एक सरफेस कॉमन है, A dash is common. First thing, A dash common. Second is this is the angle here formed is 90 degree, means angle A B A dash equal to angle A B dash A dash equal to 90 degree. Second, third, if you see the distance B A dash, देखिए ये आपकी सेकेंडरी सॉरी डिस्टर्बेंस है प्राइमरी सेकेंडरी वेवलेट से यहाँ तक की डिस्टेंस, जो कि मैंने पहले बताई कितनी है, c इंटू टी. अगर t टाइम पे आपकी वेव क्या कर रही हो, प्राइमरी वेव फ्रंट से c वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो a तक पहुंचने में, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सिंपल c इंटू टी. यानी b a डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इंटू टी. सेम एज a b डैश विल बी ऑल्सो c इंटू टी. So conclusion is that there is three points in those two triangles. First is A A dash is common. Second is angle B and B dash are same, 90 degree. Third is B A dash and B dash A are equal. It means both triangles are congruent. आपने congruency पढ़ी हुई है, I think class 8th में, कि अगर कोई triangle है जिसपे दो sides one angle equal हो या थ्री साइड्स इक्वल हो, टू एंगल वन साइड इक्वल हो, देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ठीक, तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इट मीन्स इनके सारे एंगल्स सारे साइड्स एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे. इट्स वेरी सिंपल, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. सो दिस मीन्स दैट ऑलरेडी दिस एंगल इज इक्वल, this angle will also be equal, means angle I and angle R will be equal. Okay, this implies that angle I must be equal to angle R. This is first law of reflection. So we proved easily by wave theory that this is incident wave and this is reflected wavefront. Okay, and the angle of incidence is equal to angle of रिफ्लेक्शन. तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. एक बार फिर से पूरा लॉ समझा देती हूँ आपको, फिर से स्टार्ट करती हूँ. वेव फ्रंट कैसे बताएंगे, स्टार्टिंग से बता देती हूँ. समराइज वे आई टेल यू, इफ देर इज एनी सरफेस एंड देर इज अ वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन इट, A B a wave front, this is incoming light through which wave front is formed. Okay, let us suppose this is 1 2 and 3 rays through which primary wave front A B is formed. आपको पता है कि इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट सिचुएट करते हैं वो सब सेकेंडरी क्या करेंगे, एक प्रेस सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, जिन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, और सभी सेकेंडरी वेव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगी, डिस्टर्बेंसेस सेंड करेंगी. तो अगर डिस्टर्बेंसेस सेंड करें किसी टाइम टी पे, मान ले कि ये डिस्टर्बेंस कहाँ पहुंच रहा है, ए डैश पे पहुंच रहा है. ठीक, तो किसी टाइम पे टी पे ए डैश पे पहुंच रहा है तो डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए
बी की डिस्टेंस वेलोसिटी इंटू टाइम सिंपल सी इंटू टी. सेम एज अगर ए से हम देखें किसी टाइम टी पे वो डिस्टेंस कहाँ पहुंच रहा है आपका बी डैश पे. सेम डिस्टेंस ए बी डैश की कितनी होगी सी इंटू टी होगी. और अगर हम क्या करें ए बी डैश को रेडियस मानकर एक आर्क ड्रॉ करें बी डैश पे कुछ इस तरीके का आर्क ड्रॉ करें और ए डैश से एक टेंजेंट ड्रॉ करें ऑन बी डैश दिस आर्क लाइक दिस देन अ न्यू वेव फ्रंट वी विल गेट विच इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट. दिस इज ऑल्सो द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मीन्स ड्यू टू इंसिडेंट वेव फ्रंट at any surface we will get a secondary wavefront which is the reflected wavefront. It's I think clear. This angle is incident angle because this is incident wavefront. This angle is reflected angle. Now, they come to the point. If take two triangles, first A A dash B, and second triangle A A dash B dash. This triangle and this triangle. तो मैं सारे बाकी चीजें इसमें से arrange कर दूँ. I think you will be clear. Two triangles, one surface is common, means one side is common, A A dash is common side, first thing. Second, this angle is, since we are drawing a tangent on an arc, then this means that, आप क्या कर रहे हैं, normal draw कर रहे हैं, perpendicular draw, that means angle B and angle B dash will be 90 degree. Third, the distance A dash B dash and A B dash, we have already seen that A B dash equal to A dash B which is equal to C into T. It means in these two triangles two sides are same and one angle is same. So this means these two triangles are congruent triangle. पहले बताया कॉन्ग्रेट ट्राइंगल की लिमिट कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स में टू साइड वन एंगल टू एंगल वन साइड और थ्री एंगल इक्वल हो और थ्री साइड्स इक्वल हो मीन्स देर आर फोर कंडीशंस देन अमंग दीज फोर कंडीशंस इफ एनी कंडीशन इज फॉलोड देन इट मीन्स दैट दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इफ दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट द रिजल्ट इज दैट ऑल एंगल्स all jitne bhi aapke supporting means this angle is congruent to this angle is congruent to this angle and third this angle is congruent to this angle. Same as this side already is equal, this side is already equal, then this side will also be equal. Okay, so we have to know only this thing means angle I will equal to angle R. Which is the law of reflection? First law of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. Means from wave theory, from geometry, we have seen that angle of reflection is equal to angle of incidence. First law. Second law is that incident ray, reflected ray, and normal drawn to this are in the same plane. So as we are seeing incident wavefront, reflected wavefront and surface all or normal you have drawn normal these three are lie in the same plane means these are perpendicular to the paper plane of paper. Jaise aap ye plane maan le paper ka,
then you can easily draw all the this. यहाँ से incident wave front, reflected wave front and normal. These all are lying in the same plane. That's why incident, reflected and normal all lie in the same plane. This is the second law of reflection. So we have proved that from wave theory easily that angle of reflection is equal to angle of incidence, and incident ray, reflected ray or incident wave front, reflected wave front and normal all are lie in the same plane. These are the explanation of reflection through the wave theory. Now next topic is how can we explain refraction through the wave theory. Now we will see the refraction by wave theory. हमने रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी समझ लिया. अब हम रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी कैसे बताएंगे, रिफ्लेक्शन के नियम कैसे बताएंगे. मीन्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में यू नो देर इज टू लॉ. आई थिंक फर्स्ट इज स्नेल्स लॉ, सेकंड इज इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन. सो वी हाउ वी कैन प्रूव दिस. फॉर दिस आई हैव ड्रॉन अ फिगर हियर. तो मैं फिगर समझा देती हूँ. यहाँ पे एक हमने सिंपल इंटरफेस लिया है एक्स वाई, जो कि क्या कर रहे हैं, दो मीडियम को कट कर रहा है. दो मीडियम के बीच में इंटरफेस का काम कर रहा है, रेरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम. तो लेट द वेलोसिटी ऑफ रेज इन रेरर मीडियम इज c1 एंड द वेलोसिटी ऑफ रे इन डेंसर मीडियम इज c2. देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी म्यू इक्वल टू बाई डेफिनेशन c1 बाई c2. इट्स क्लियर. अगेन कम टू द ज्योमेट्रिकल फिगर, कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट. देर इज अ प्लेन वेव फ्रंट ab फॉर्म बाय दीज रेज. अगर अभी जो रेज आ रही है 1, 2 और 3, इसके थ्रू एक वेव फ्रंट ड्रॉ करें तो एक वेव फ्रंट ए बी फॉर्म होगा, जो कि प्राइमरी वेव फ्रंट की तरह एक्ट करेगा. अगेन इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, यानी ए बी डी, ये सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करेंगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेज सेंड करेंगे. सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेज अगर सेंड करें तो ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेज कुछ यहाँ पे पहुंचेंगे. मान लीजिए कि टी टाइम में, इन टाइम टी, दिस वेव रीचेज हियर, दिस वेव रीचेज हियर, दिस वेव रीचेज हियर. ओके, सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस. वी आर सीइंग दैट बी ए डैश इज इन रेरर मीडियम, ए बी डैश इज इन डेंसर मीडियम. सो इन रेरर मीडियम यू नो टाइम इज टी, स्पीड इज c1, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस, बी ए डैश विल बी टी इंटू c1. In denser medium, since the speed is c2 and time is same t, the distance will be t into c2. Clear? Due to this primary wavefront, secondary disturbances are thrown, and in time t, let these secondary disturbances reaches a dash, d dash and b dash. Then what will be the distance? I'm not taking this point because it belongs in rarer and denser medium both. So if you are taking this point a dash b, then this will be t into c1. In denser medium a b dash, there will be the distance t into c2. Clear? Written this here. Now again take t into c2, this a b dash as a radius and a as a center. Draw an arc on B dash. Let's see this. And from this point A dash, draw a tangent on this B dash. This is the tangent, and definitely if this is tangent, this will be the 90 degree. Okay. So this is tangent, and again we will meet these two points. Then A dash B dash will be secondary wave front.
है कि ये थ्योरी सेम आपके रिफ्लेक्शन की तरह है कि कोई इंटरफेस है जिसपे हमने एक वेव फ्रंट ड्रॉ किया है ए बी ड्यू टू दीज थ्री रेज विच आर कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स ए टू वन टू एंड थ्री. सो दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट एंड अगेन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन दिस प्राइमरी वेव फ्रंट विल एक्ट एज न्यू सोर्स फ्रेश सोर्स एंड दीज फ्रेश सोर्सेज विल सेंड सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो लेट इन टाइम टी दीज सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेज रीचेज एट ए डैश डी डैश एंड बी डैश रेस्पेक्टिवली देन वॉट विल बी द डिस्टेंस दे विल कवर बी ए डैश विल बी टी इन टू सी वन बिकॉज एट द वेलोसिटी इन रेरर मीडियम इज सी वन एंड दिस टाइम इज टी सो द डिस्टेंस विल बी टी इन टू सी वन इन डेंसर मीडियम वेलोसिटी इज सी टू सो दैट्स वाई डिस्टेंस विल बी टी इन टू सी टू. एंड अगर हम क्या करें कि ए को सेंटर मानकर ए बी डैश को रेडियस मानकर एक आर्क ड्रॉ करें बी डैश पर एंड ए डैश से टेंजेंट बी डैश पर ड्रॉ करें मीन्स आर्क पर एक टेंजेंट हम ड्रॉ करें एंड इसको मिला दें देन ए डैश बी डैश विल फॉर्म अ न्यू वेव फ्रंट करिस्पॉन्डिंग टू दीज सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेज एंड दिस वेव फ्रंट विल कॉल सेकेंडरी वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. आई थिंक दिस इज क्लियर. अगर आपको ज्योमेट्रिकल फिगर क्लियर है देन आप इजिली रिफ्रैक्शन समझा सकते हैं. वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू फर्स्ट दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट ड्यू टू दीज इंसिडेंट रेज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. अगर किसी लाइट सोर्स से ये रेज आ रहे हो इंसिडेंट हो रहे हो देन वी कैन ड्रॉ इजिली अ वेव फ्रंट means locus of all disturbances send in equal direction and in they are all in equal phase and they are at equal time. So these in ek wavefront form hua AB and at this wavefront every point will act as new fresh source. Means sare points A B and D will act as new fresh source and they will send again secondary disturbances in forward direction because they are also new fresh source. So मान ली कि टी टाइम पे ए से सेकेंडरी डिस्टर्बेंस बी डैश पे पहुंचता है डी से डी डैश पे एंड डी से ए डैश पे देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस दे विल कवर बी ए डैश विल बी इक्वल टू टी टू सी वन बिकॉज वेलोसिटी इज सी वन हियर एंड इन डेंसर मीडियम वेलोसिटी इज सी टू देन डिस्टेंस विल बी टी टू सी टू. अगेन टेकिंग ए एज सेंटर एंड टी टू सी टू डिस्टेंस मीन्स ए बी डैश एज अ रेडियस वी कैन इजली ड्रॉ एन आर्क ऑन इट. So this is R and now we have to do one thing from A dash let us draw and tan so let us draw a tangent on this arc and this A dash B dash is the secondary wavefront means this A dash B dash and every point on it will again act as fresh source again they will send secondary disturbances in all direction again you can form any other wavefront. So humko bas itna kaam hai incident wave front refracted wave front. So now this is clear from this figure now we can easily conclude in the law of refraction. How for this come to this written part. So you have already seen mu equal to c1 c2 b a dash and a b dash will be this. Okay. Now angle a a dash b angle A A dash B. Since this is refracted wavefront, then this angle will be from this interface. The angle will be refracted angle, and from this interface, the incident wavefront will make incident angle. Simple. Interface है interface के साथ incident wavefront incident angle form करेगा refracted wavefront refracted angle form करेगा. Right? This is clear. Now in triangle A A dash B. Again I am only going to show you triangle. In triangle A A dash B, in this triangle, if you include sine I, this is
this angle will be 90 degree like this, because ये आपका वेव फ्रंट है. इस पे लाइट क्या करती है, हमेशा नॉर्मल इंसिडेंट करती है. तो नॉर्मल इंसिडेंट अगर करेगी तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा. दिस वन इज 90 डिग्री, दिस इज एंगल आई. सो वी कैन इजली क्लोट साइन आई. साइन आई विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. देन परपेंडिकुलर इज बी ए डैस एंड हाइपोटेनस इज ए ए डैस. सो एंड वी नो द वैल्यू ऑफ बी ए डैस. बी ए डैस इज सी वन इन टू टी एंड ए डैस वी डोंट नो, टू कीप इट लाइक दैट. अगेन इन ट्राइंगल ए ए डैस बी डैस डू द सेम थिंग. साइन आर, हेयर दिस इज 90 डिग्री. साइन आर विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर इज ए बी डैस एंड हाइपोटेनस इज ए ए डैस. एंड वी नो द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर सी टू इंटू टी एंड ए ए डैस. क्लियर? देखिए सिर्फ ज्योमेट्री है तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए. देन वी कैन राइट साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू सी वन टी अपॉन ए ए डैस डिवाइडेड बाई सी टू टी अपॉन ए ए डैस. फाइनली वी विल गेट सी वन बाई सी टू विच न्यू मीन्स साइन आई बाई साइन आर विल इक्वल सी वन बाई सी टू इक्वल टू न्यू. दिस इज स्नेल्स लॉ मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. From geometry of wave theory, easily we can prove Snell's law, and I think you have understood it because it's very easy. Clear? Again, the second law of refraction is incident wave front, refracted wave front, and normal. All are in same plane. This is incident wave front. This is refracted wave front. And this is normal drawn to it. Since they all are lie perpendicular to paper, it means normal to paper means they are all lie in the same plane. We are saying this is a plane and all three points are in the plane. That means that all thrice are lying in the same plane. So second thing, second law is obviously proved. First law I have shown you. So this is the law of refraction by wave theory. I think this is क्लियर. सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ज्योमेट्री समझ में आती है वेव थ्योरी की, देन यू कैन इजली डिटरमाइन ऑल द लॉज फ्रॉम वेव थ्योरी. यू हैव टू ओनली कीप इन माइंड द हाइगेंस प्रिंसिपल मीन्स कि प्राइमरी वेव फ्रंट कैसे फॉर्म करेंगे. आफ्टर प्राइमरी वेव फ्रंट एवरी पॉइंट सिचुएटेड ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट विल एक्ट एज सेकेंडरी वेवलेट्स एंड दे विल सेंड अगेन डिस्टर्बेंसेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. एंड अगेन वी कैन ड्रॉ a secondary wave front which will called if there is no interface then this will called reflected wave front. If there is an interface means there are two medium rarer and denser, like then there will be means if there is not presentation of homogeneous medium then definitely there will be refraction, and that in that case we will get refracted wave front, and we can prove easily this law. Thank you.